अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये है हेल्दी मॉर्निंग और आप लोग के सामने हाजिर हैं आप लोग की अपनी होस्ट डॉक्टर आफ है। और आज हम लोग जो हैं, आज तो सबसे पहले बताऊँ मंडे का दिन है और समहाउ फॉर सम रीज़न कराची में इतनी ज़्यादा सर्दी, बल्कि सर्दी है ही नहीं, तो कराची में बिल्कुल सर्दी नहीं है। लेकिन आई नो के फॉर द रेस्ट ऑफ द सिटीज़, पाकिस्तान की बाकी जगहों पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, कहीं कहीं बारिश हो रही है, कहीं स्नोफॉल हो रहा है, बट फॉर सम रीज़न कराची में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल सूखा सूखा है। इनफैक्ट गर्मी सी है, अजीब सी। आप लोगों को फ़ैन्स ऑन करने पड़े हैं, अगर आप ब्लैंकेट्स या कम्फर्टर्स लेते हैं तो उसकी भी बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो फॉर सम रीज़न हम लोग थोड़ा ऑड वन आउट हो जाते हैं जब वेदर चेंज की बात आती है। और इसी बात के साथ जो है हम आज का जो प्रोग्राम है वो शुरू करते हैं। मैं बताती हूँ कि आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट हमारा क्या है। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास होंगी फरहाना मिर्ज़ा की एक्सरसाइज रूटीन, जो कि हमारे वेट लॉस प्रोग्राम का पार्ट है। और आज वो यूज़ करेंगी स्टेपर, जिस तरह उन्होंने फ्राइडे के दिन हमें बताया था कि अभी देखिए हमारे पास वेट्स हो गए, हमारे पास जिम बॉल हो गई और अब स्टेपर आ गया है, तो आज स्टेपर यूज़ किया जाएगा। स्टेपर उन्होंने बताया भी था कि आप लोग घर में ही बना सकते हैं, लकड़ी की तख्ती से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बाज़ार से जाके लें, बस वो इतना हो कि आप उसके ऊपर स्टेप रख के वापस आएँ तो वो आपका वेट बर्दाश्त कर सके। तो ऐसा स्टेपर अगर अभी आपने नहीं बनाया तो मेरी बात के विषय को ढूंढ लीजिए, क्योंकि फरहाना मिर्ज़ा जब आ जाएंगी तो फिर आपको उनके साथ एक्सरसाइज करनी पड़ जाएगी, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। उसके बाद आपको पता है कि हमारे पास होता है क्या, हमारे पास होती है एक हेल्दी मॉर्निंग टिप। और आज की हेल्दी मॉर्निंग टिप मैंने सोचा, क्योंकि अक्सर मैं लोगों को परेशान देखती हूँ, कोई कहता है कि पता नहीं मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर हो रहा है, कोई कहता है मेरा पल्स रेट रेगुलर है, कोई कहता है देखो मेरा अजीब सा टेम्परेचर हो रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। नॉर्मल जो बॉडी स्टेट होती है ना, वो मालूम करना हर इंसान के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये स्टेट जो है वो नॉर्मल है। इससे जब इंसान डिफ्लेक्ट करेगा तो डेफिनेटली उसको फिर ना किसी चीज़ में कैटेगराइज करके उसको ट्रीट किया जाएगा। तो मैं आपको आज सिर्फ एक्सप्लेन करूँगी नॉर्मल बॉडी स्टेट क्या होती है हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप में। इसके बाद हमारे पास होगा पोल का सवाल। आज का पोल का सवाल का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों की राय उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऐसी सिचुएशन पे है जब एक इंसान अपने आप को स्टक फील करता है और उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे, वो किसकी तरफ जाए, क्या करे, क्या सही है, क्या गलत है, फंस के रह जाता है वो। तो ऐसी सिचुएशन पे आज का पोल है। इसके बाद आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट होता है और लियाकत सत्यन साहब हमारे पास मौजूद होते हैं। जिन लोगों ने मुझे फेसबुक पे भी अप्रोच किया उनके क्वेश्चंस आज मैं आंसर कर दूंगी, करवा दूंगी, इनफैक्ट मैं क्यों कर दूंगी। उसके बाद हमारे मेडिकल सेगमेंट, आपको पता है हमारे पास कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होता है जो आपके इंटरेस्ट का होता है, और आज हम बात करने वाले हैं थायरॉइड पे, थायरॉइड ग्लैंड पे, हाइपर हाइपोथायरॉयडिज्म पे, और इनके किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, ये किस तरह होते हैं, इनमें क्या क्या वजूहात हैं कि ये चीज़ें हो जाती हैं हमारी बॉडी में, किस तरह कंट्रोल की जाती हैं, किस तरह की मेडिसिन अवेलेबल हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट आई थायरॉइड पे दोबारा शो करने की, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज थायरॉइड पे शो किया जाए। तो आज हम थायरॉइड पे बात करेंगे एंड एंड में जो हमारा बेस्ट फाइव का सेगमेंट होगा उसमें आपको पता है कि हमारे पास मौजूद होंगी कहाँ ना, आज हमारे पास मौजूद होंगी एक सेलिब्रिटी गेस्ट, और जब वो मौजूद होंगी तो अब आपको पता भी चल जाएगा कि वो कौन है। तो ये है हमारा आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट, और आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं healthy-tv.tv। मुझे पता है मैं थोड़ा सा रेगुलर नहीं हूँ ईमेल चेक करने में, लेकिन जब मैं ईमेल चेक करती हूँ तब लोग आप लोग के क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर करती हूँ, तो बेटर टू बी लेट देन नेवर। तो आप लोग प्लीज़ ईमेल ज़रूर कीजिए, और उसके बाद जो फेसबुक है वहाँ तो वो तो मैं टक टक वहीं रिस्पॉन्ड कर देती हूँ, तो फेसबुक से तो बढ़ के कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। www.facebook.com/healthytv.tv इस पेज पे आके आप सबसे पहले तो इस पेज को लाइक करेंगे, जैसे ही आपने लाइक किया फिर आप इसकी वॉल पे लिखने के काबिल हो जाएंगे, जैसे आप इसकी वॉल पे लिखेंगे तो फिर हम लोग पढ़ लेंगे और फिर आपके क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा, आपका सजेशन भी हम लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद आपको पता है जब हमारे फ़ोन लाइन्स भी ओपन होंगे तो भी आप हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे अपनी सबसे पहली चीज़ की तरफ, यानी हम चलेंगे फरहाना मिर्ज़ा के पास और स्टेपर्स के साथ, जो आज हमें वो आई थिंक अपर बॉडी, आज मंडे है, अपर बॉडी वर्कआउट हमें बताएंगे, स्टेपर के साथ चल के करते हैं अपर बॉडी वर्कआउट और वापस आते हैं। अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फाहना मिर्ज़ा, आपकी एरोबिक एंड योगा इंस्ट्रक्टर। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा वेट रिडक्शन का प्रोग्राम का पहला महीना ख़त्म हो चुका है और हमारा जो दूसरा महीना है उसका आज पहले हफ्ते का पहला दिन है, यानी आज मंडे है। और आपको पता है कि मैंने आपसे फ्राइडे को मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस हफ्ते हम लोग स्टेपर के ऊपर वर्कआउट करेंगे, इसलिए अब हम थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं। स्टेपर का मतलब है आपकी इंटेंसिटी थोड़ा सा जो है वो अब ज़रा ऊपर हो जाएगी, ठीक है। और स्टेपर इज़ द बेस्ट वे टू बर्न योर कैलोरीज, ठीक है। अच्छा, स्टेपर का मतलब अगर मैंने ये लिया हुआ है तो ये बाज़ार में इजीली अवेलेबल है और इसको आप घर पे भी आप कारपेंटर वगैरह से बनवा सकते हैं। इसका तरीका ये है, जैसे आप इस स्टेपर को गौर से देखें, इसकी जो ऊंचाई है वो 4 से 5 इंच तक की होनी चाहिए और इसके अलावा इसकी जो लंबाई है वो 30 इंच तक रखें, इसकी चौड़ाई जो है वो 18 इंच तक की बनवाएं आप। अच्छा, स्टेपर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको इसकी टेक्निक्स बता दूं कि आपने सेंटर में पैर रखना है, साइड में पैर नहीं रखना है, टेढ़ा पैर नहीं रखेंगे ना कॉर्नर में रखेंगे। आपने हमेशा स्टेपर में पैर को बिल्कुल सेंटर पे और पूरा फ्लैट करके रखना है, ठीक है, बिल्कुल। और साइड पे अपने पैर को नहीं लेके जाना, वरना आपका पैर जो है वो इस तरह से मुड़ भी सकता है, तो इंजरी के चांसेस हैं और इस तरह के केसेस भी हुए हैं। तो बी केयरफुल, इसलिए कि आप थोड़ा सा इंटेंसिटी आपका हाई होगा तो इसलिए आपको ज़रा बी केयरफुल रहना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप। आपने उसके ऊपर सिंपल स्टेप लेने हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। मैं बिल्कुल बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, बिल्कुल लो इम्पैक्ट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और आप देख रहे हैं शुरू में आपको बैलेंस करना मैं थोड़ा सा ज़रा टाइम लगेगा। अगर आपके घर में कोई सहन है या सीढ़ी वगैरह है तो उस पर भी आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। अपने हाथों को प्रॉपर आपने मूव करना है, सही है ना। जब आप बिल्कुल सेटल हो जाएं तो फिर आपने अपने हाथों को ऊपर नीचे अप एंड डाउन शोल्डर लेवल तक लेके आना है, नीचे की तरफ देखना है, साइड चेंज, अपने हाथों की डायरेक्शन चेंज करेंगे, आज आपने नोट किया होगा कि मैंने आज वार्म अप स्टेपर से ही किया है। अब मैं अपर बॉडी वर्कआउट के ऊपर आ गई हूँ, इसमें क्या हो रहा है कि आपके शोल्डर्स, आपके जो चेस्ट है वो सारा वर्कआउट हो रहा है। आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, चेस्ट आउट, टमी इन एंड चेंज, चेंज, अप डाउन, ठीक है। आपने अपना जो है सेट्स बनाने हैं, जैसे अगर फर्स्ट करें आपने 15 का एक सेट किया है तो दोबारा 15 पर ही करेंगे, सही है। मतलब आप 15-15 के दो दो सेट्स आप इजीली कर सकते हैं ना। आप साइड पर आएंगे, साइड से मतलब मेरा कॉर्नर नहीं है, थोड़ा सा आगे सेंटर से, एंड अप डाउन, एक स्टेप पीछे, अप डाउन, अप डाउन, और इसी तरह से आपने यहाँ पे साइड चेंज करनी है, बी केयरफुल। आपने मुसलसल जो है वो नीचे स्टेपर पर रखना है अपना ध्यान, क्योंकि यहाँ आपका पैर इधर से उधर ना हो जाए। नाउ रिलैक्स, अब चेस्ट आउट, यस, अपर बॉडी वर्कआउट, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, साइड चेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 and 8,
ओके, अब आपने साइड पर आ जाना है। मैंने अगेन आपको बता रही हूँ कि इस साइड पर नहीं आना है, थोड़ा सा ज़रा सेंटर से ज़रा लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे। एंड आगे की तरफ लेफ्ट नी को आपने बेंड करना है एंड ट्विस्ट करना है राइट साइड लेफ्ट साइड की तरफ। सही है, दोबारा देखें, ट्विस्ट 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 ट्विस्ट, लोअर बॉडी वर्कआउट, ट्विस्ट पीछे की तरफ पुश करेंगे लेफ्ट साइड पे। आपकी लेफ्ट लेग बेंड हो रही है और आपने लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो ट्विस्ट करना है, पुश। वन मोर एंड बिल्कुल इसी तरीके से अब मेरी क्या होगा, राइट नी जो है वो आगे की तरफ बेंड करेगी और मैंने राइट साइड की तरफ ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट ट्विस्ट अगेन। नाउ ओके व्यूअर्स, ये तो कुछ आज हमने वर्कआउट किया लोअर बॉडी के ऊपर। अब हम जो है वो उसकी स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग में जाहिर सी बात है हमने स्टेपर का इस्तेमाल किया है, तो हमें अपने नी को और काफ मसल्स को हमें स्ट्रेच करना है, रिलैक्स करना है। सेंटर में रखेंगे, अगेन स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच स्ट्रेच, अपने आर्म्स को रिलैक्स करेंगे, मसल्स को स्ट्रेच करेंगे। ओके व्यूअर्स, आज मंडे यानी आज आपका सेकेंड मंथ का आज पहला दिन था और जिसमें मैंने आज स्टेपर का इस्तेमाल किया है, इसमें मैंने अपर बॉडी वर्कआउट किया है। मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आप मेरे साथ ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे। कल इंशाल्लाह स्टेपर का इस्तेमाल करेंगे लेकिन एब्डोमिनल के वर्कआउट के लिए। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।